हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स। फिलहाल आज इस वीडियो में हम एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स के डिफरेंस जानने वाले हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, एडवर्ब क्या काम करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को वो क्या करता है बच्चों, मॉडिफाई करता है ना, ओके? इन सब के बारे में बताता है और यही काम हमारा एडवर्बियल्स भी करता है, ओके? तो जब ये दोनों काम करते हैं तो फिर ये दो नाम क्यों आया है यहाँ पर, आपके दिमाग में आएगा ये सवाल उठेगा कि जब दोनों यही काम करते हैं तो फिर एक तरफ एडवर्ब्स और एक तरफ एडवर्बियल्स ऐसा क्यों आया है। जी हाँ, दोनों में एक फ़र्क होता है। देखो बच्चों, जितने भी एडवर्बियल्स होते हैं वो सब एडवर्ब भी होते हैं, इतना तो पहले समझ लो। जितने भी एडवर्बियल्स होते हैं ना, वो एडवर्ब का भी काम करते हैं। चलो हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखो, एडवर्ब्स जो है ना, हमेशा सिंगल वर्ड में होता है, ओके? एडवर्ब्स आपको हमेशा किस में मिलेगा बच्चों, सिंगल वर्ड में, जबकि एडवर्बियल सिंगल वर्ड में भी मिलेगा, कभी कभी आपको क्लॉज में मिलेगा या फिर कभी कभी आपको फ्रेजेज में मिल सकते हैं। फ्रेजेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके? मैंने क्या बोला आपको बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि जो एडवर्ब है, जो इस साइड था, एडवर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ही रहता है, ओके? लेकिन जो एडवर्बियल्स है वो सिंगल वर्ड में भी मिलते हैं, कभी कभी क्लॉज में मिल जाते हैं या फिर कभी कभी फ्रेजेज में भी मिलते हैं, ओके? हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहले हम ये देखते हैं, अगर हमारा एक सेंटेंस यहाँ पे है, देखो, अगर क्या है, द बॉय फाउट हीरोइकली, ओके? द बॉय फाउट हीरोइकली, तो हीरोइकली ये हमारा वर्ड जो है यहाँ पर, ये हमारा एडवर्ब भी है क्योंकि ये सिंगल वर्ड में है, ओके? ध्यान रखिएगा, सिंगल वर्ड में है। लेकिन आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो काम हमारा एडवर्ब करता है वही हमारा एडवर्बियल्स भी करता है, तो इसके लिए ये हमारा एडवर्बियल्स भी है, ओके? लेकिन ये जो नीचे का सेंटेंस है, देखिए, अब हीरोइकली आप देख रहे हो ना, ये फाउट, ये वर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई तो हमारा एडवर्ब भी करता है, ओके? और हमने एडवर्ब में सीखा था कि वो सिंगल वर्ड में ही होता है, तो ये सिंगल वर्ड में है, इसके लिए ये एडवर्ब भी कहलाएगा, और क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वर्ब को मॉडिफाई तो ये हमारा एडवर्बियल्स भी करता है, इसके लिए ये एडवर्बियल्स भी है। लेकिन आगे जाकर ये सेंटेंस देखिए आप, द बॉय फाउट इन अ हीरोइक मैनर, यही बात इसने फ्रेज में बताई गई है, द बॉय फाउट इन अ हीरोइक मैनर, ओके? तो ये हमारा क्या है, ये फ्रेज में ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ओके? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है लेकिन ये सिंगल वर्ड नहीं है। मैंने क्या बताया था, एडवर्ब हमेशा सिंगल वर्ड में होता है, अब क्योंकि ये सिंगल वर्ड में नहीं है, ये यहाँ पर हम ये क्या है, ऑब्जेक्शन, ये सिंगल वर्ड में नहीं है, अब क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या है, एडवर्बियल्स। एडवर्ब तभी होगा जब वर्ब को ये मॉडिफाई कर तो रहा है, एक बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे वो लागू नहीं होता है, वो ये है कि उसको एडवर्ब को सिंगल वर्ड में होना चाहिए, पर ये सिंगल वर्ड में नहीं है, ये फ्रेज है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्बियल्स, ओके? जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि एडवर्ब हमेशा सिंगल वर्ड में होता है, लेकिन एडवर्बियल्स सिंगल वर्ड में भी होता है, कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब फ्रेज में होता है, या फिर कभी कभी क्लॉज में होता है बच्चों, क्लॉज मतलब जैसे एक सेंटेंस, ओके? देखो, द बॉय फाउट एज हीरोज डू, ओके? ये अपने आप में एक सेंटेंस है, एज हीरोज डू, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एडवर्बियल्स है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखो, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, एडवर्बियल्स फ्रेजेस जो है, देखो यहाँ पर आपका ये एस हटा देना बच्चों, ये गलती से हो गया है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, ओके? तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं, ज़्यादातर एडवर्बियल जो है ना, एडवर्बियल फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे कि आपने इधर देखा ना ये सब,
तो ये अक्सर करके एडवर्बियल फ्रेजेस जो है ना प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं। ओके, समझ आ रहा ना आप लोग को? तो देखिए एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं एडवर्ब। मैंने आपको बताया था एडवर्ब हमेशा सिंगल वर्ड में होता है। देखिए द प्लेन लैंडेड हियर, ये अब क्योंकि देखो ये एडवर्ब भी है और एडवर्बियल्स भी है। एडवर्बियल्स इसलिए है कि एडवर्बियल्स में भी वही रूल है। वही रूल मतलब ये था कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ओके, समझ में बात आ रही है ना? इसके लिए ये भले हमने इसमें लिखा है, किसमें, एडवर्ब के कॉलम में लिखा है, लेकिन ये हमारा एडवर्बियल्स भी है। ओके, समझ बात आ रही है? अब देखो ये सब हमारे क्या है, एडवर्ब है। ओके बच्चों, देखो दीज एप्पल्स आर क्वाइट जूसी, एक सिंगल वर्ड है ना, सिंगल वर्ड है, ये भी सिंगल वर्ड है। राजीव राइट्स वेरी नीटली, ये जो क्वाइट जूसी है, जूसी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जो क्वाइट है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। ओके, ये एडवर्ब जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, जूसी है। राजीव राइट्स वेरी नीटली, नीटली ऑलरेडी अपने आप में एक एडवर्ब है। ओके, नीटली अपने आप में एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब को एक दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। ओके, तो समझ बात आ रही है आप लोग को? फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों, एडवर्ब और एडवर्बियल्स में क्या फ़र्क होता है। एडवर्बियल्स वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और यही चीज़ हमारा एडवर्बियल्स भी करता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क हो जाता है। एडवर्ब जो है हमेशा सिंगल वर्ड में आपको मिलेंगे, लेकिन एडवर्बियल सिंगल वर्ड में भी मिलते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, और कभी कभी हमारे वो क्लॉज में भी होते हैं। ओके, और ज़्यादातर हमारा जो फ्रेज है, जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर प्रीपोजिशन से ही शुरू होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इन दोनों का फ़र्क। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाकर थोड़ा उसको डीपली समझा सकती हूँ। ये मैंने आपको एक शॉर्ट में, हल्के में बस समझाया है। ओके, थैंक यू।